हेलो गाइस, आई एम अवि एंड वेरी अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक फॉर यू। गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबको एक जियो एंड व्हाट्सएप का एक टॉप सीक्रेट ट्रिक बताऊँगा जो शायद ही आपको मालूम हो। दोस्तों, अगर आपके पास भी एक जियो नंबर हो तो आप भी अपना जियो नंबर को हर महीना रिचार्ज कराते हैं या फिर क्वार्टरली रिचार्ज कराते हैं, तो उसके लिए आपको अपना रिटेलर के पास जाना पड़ता है या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे गूगल पे हो, फोन पे हो, रखना पड़ता है। और अगर आपके पास ये सारा ऐप्स नहीं है तो इस लॉकडाउन के टाइम में आपके लिए रिचार्ज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता है। पर क्या दोस्तों, आपको पता है अभी आप सिर्फ अपना व्हाट्सअप पे एक छोटा सा मैसेज करके अपना घर पे बैठे बैठे अपना जियो नंबर को बड़ी आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, रिचार्ज करने के साथ साथ आप व्हाट्सअप पर एक छोटा सा मैसेज करके अपना जियो नंबर का सारा डिटेल्स, जैसे कि उसका करंट प्लान, रिचार्ज हिस्टोरी, ऑफर्स, वाउचर्स, सारा डिटेल्स आप अपना व्हाट्सअप पर ला सकते हैं, वो भी दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे हिंदी लैंग्वेज में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बस आपको व्हाट्सअप पर एक छोटा सा मैसेज करना है और सारा काम आपका हाथ में एकदम ईजीली हो जाएगा। सो इसी ट्रिक को मैं आज आपको बताऊंगा, तो जिससे यूज़ करके दोस्तों आपको बहुत हेल्प होगा और इस लॉकडाउन का टाइम में आपको जियो नंबर रिचार्ज करने के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, अपना घर में बैठे बैठे ही इसे रिचार्ज कर सकते हैं अपना व्हाट्सअप यूज़ करके। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको ये सारा स्टेप्स। और दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा स्टेप्स एक एक करके समझाऊंगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आपके पास एक ही नंबर हो और वो भी जियो का हो और आप उसी नंबर से अपना व्हाट्सअप यूज़ कर दें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नंबर अपना फ़ोन में सेव करना है। 7000 7 7000 7 इस नंबर को आपका फ़ोन में सेव करना है, किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सअप ओपन करना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट को रिफ्रेश करना है। करने के बाद अपना जो नंबर अभी सेव किया वो नंबर आ जाएगा, उसमें ओपन करने के बाद आपको जैसे एक तो हाई सेंड कर देना है। हाई सेंड करने के बाद दोस्तों उधर से एक मैसेज आएगा और मेन मेनू बोल के उसमें लिखा रहेगा, उसमें आपको मेन मेनू में क्लिक करना है। सो इस मेन मेनू से दोस्तों आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जी रिचार्ज भी कर सकते हैं, अपना पुराना रिचार्ज हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। पर अगर आपको अभी रिचार्ज करना है तो आप कीजिए रिचार्ज जियो नंबर पर क्लिक। रिचार्ज जियो नंबर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक नया मैसेज आएगा, उस पर आपको दिखेगा कि आप अपना रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर अपना फ्रेंड का रिचार्ज करना चाहते हैं। सो अभी आपको क्या करना है, आपको अपना व्यू प्लान्स को क्लिक करना है। व्यू प्लान्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका नंबर पे जो जो रिचार्ज हो सकता है, जो जो प्लान अवेलेबल है वो सारा आ जाएगा। उसमें से आप देख लीजिए आपको कौन सा रिचार्ज करना है, जो आपको अच्छा लगे। उसके नीचे एक नंबर दिया रहेगा कि इसको करने के लिए आप 2 दवाइए 3 दवाइए 1 दवाइए, आपको जो रिचार्ज करना है उस नंबर को टाइप करके सेंड कर दीजिए। सपोज मैंने 2 नंबर को सिलेक्ट किया मैंने। सो अभी रिचार्ज नाउ पे क्लिक कीजिए, देन कंटिन्यू कीजिए, फिर रिचार्ज नाउ पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपके सामने एक नया पेज आएगा। अब दोस्तों बात आता है कि आपका पास अगर ऑलरेडी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी UPI हो तो आप उसे सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर आपके पास अगर ये सब नहीं हो तब आप क्या करेंगे। सो अगर आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, ATM या डेबिट कार्ड का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका सामने नया पेज आएगा, उसमें आप अगर आपका पास कोई ATM है तो उसे लाइए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना किसी फैमिली से किसी का भी हो तो उसके लाइए। उसको लाने के बाद दोस्तों उसमें आपको ATM में एक सीरियल नंबर दिख जाएगा सामने में, 16 डिजिट या 20 डिजिट कुछ होता है, उसको आपको एकदम ऊपर में टाइप करना है सीरियल नंबर को। फिर आपको एक्सपायर्ड मंथ एंड ईयर मिल जाएगा अपना ATM कार्ड में, उसको भी टाइप करना है। फिर आपको ATM का पीछे 3 डिजिट का एक CVV नंबर मिलता है, उसको टाइप करना है CVV में। एंड फिर आपको ATM में जिसका आप ATM लाए हैं उनका नाम होगा, वो नाम को आपको नीचे लिखना है। इन सारा डिटेल्स को टाइप करने के बाद दोस्तों आप पे कर दीजिए। तो अभी पे नाउ करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज आएगा, उसमें आपको क्या करना है, आप जिसका भी अपना ATM कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को लेके इसमें डाल के कंटिन्यू कर देना है, बस आपका रिचार्ज हो जाए। सो दोस्तों, अगर आपको रिचार्ज ना करके अभी आपका डिटेल्स चेक करना है, अपना अकाउंट डिटेल्स, आपका जियो सिम का डिटेल्स, उसमें कितना रिचार्ज किया है, पहले कितना किया था, सारा डिटेल्स अगर चेक करना है तो आपको क्या करना है, हाई लिखना है दोबारा। हाई लिखने के बाद दोस्तों फिर से आपको मेन मेनू आएगा, उसमें आपको सपोर्ट फॉर जियो सिम का ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी क्वेरी हो सारा का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, लिस्ट दिख जाएगा, आपको जो क्वेरी हो आपका अकाउंट का, आपका शायद लास्ट डिडक्शन हो या फिर लास्ट रिचार्ज हो, जो भी आपका प्रॉब्लम हो उस नंबर को सिलेक्ट कीजिए, टाइप कीजिए, मैसेज सेंड कर दीजिए, बस आपका सारा डिटेल्स नीचे आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, अगर आपको ये सारा काम इंग्लिश में करने में प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा हाई लिखना है
एंड आपको मेन मेनू में जाना है। जाने के बाद उसको आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज लैंग्वेज, जिसका नंबर होगा 6, आपको जस्ट 6 टाइप कर देना है। 6 टाइप करने के बाद उसको आपको सामने फिर से एक नया मैसेज आएगा, उसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी लिखा रहेगा, इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 2, आपको जस्ट 2 टाइप करके सेंड कर देना है एंड आपका काम हो गया, आपका लैंग्वेज हिंदी बन गया। अब अपना सारा काम हिंदी में कर सकते हैं। अब दोस्तों हो गया जिसका पास ऑलरेडी जियो नंबर है एंड जियो नंबर से ही व्हाट्सएप यूज़ करता है, पर जैसे मैं अपना व्हाट्सएप जियो नंबर से यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे बहुत सारा आदमी है जो अपना व्हाट्सएप जियो नंबर से यूज़ नहीं करता है, वो क्या करेंगे? सो उन लोगों को जस्ट अपना व्हाट्सएप ओपन करना है, इसी तरह ओपन करने के बाद इस जियो वाला कॉन्टैक्ट को निकालना है, उसमें जस्ट आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है MOD मोड, मोड लिखने के बाद सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों आपको बोलेगा कि आपका जो जियो नंबर है जिसका बारे में आप ये सब काम करना चाहते हैं, जिसका रिचार्ज करना चाहते हैं, उस नंबर को टाइप कीजिए, आपको उस नंबर को टाइप करके सेंड कर देना है। फिर दोस्तों आपका इस नंबर पे आपका जो जियो नंबर आपने डाला है उसमें एक OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें डालना है फिर सेंड कर देना है, बस आपका काम फिनिश। बाकी सारा स्टेप दोस्तों जैसे पहले मैंने बताया वैसे ही सेम है। सो दोस्तों इसी तरह से आप भी इस ट्रिक को यूज़ करके अपना घर बैठे ही बिना किसी के हेल्प लिए अपना रिचार्ज खुद ही कर सकते हैं एंड आपको कहीं बाहर जाने का भी जरूरत नहीं इस लॉकडाउन में। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ यार इसे लाइक कर देना एंड चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।